दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा या सुना होगा कि इस इंसान पर देवी या देवता आ गई है, लेकिन क्या देवी माता या देवता सच में आती है? आखिर क्या होता है किसी पर देवी या देवता का आना? आज इस वीडियो के माध्यम से इस सच्चाई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे और इस अजीब घटना के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देवी माँ का सेवा जस चल रहा है, सारे लोग गीत गा रहे हैं, तभी शोर सुनाई पड़ता है और लोगों का भीड़ अचानक एक महिला के चारों ओर घेरा बना लेती है। थोड़ी देर पहले नॉर्मल लग रही वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तेजी से झूमने भी लगती है। हरदम कपड़े संभाल कर चलने वाली उस महिला को अब कपड़ों की सूद भी नहीं है। फिर ऐसा कहा जाता है कि उस महिला पर देवी आ गई है और कुछ मिनटों या लगभग आधा घंटा तक देवी उसके शरीर में रहती है, फिर छू मंतर हो जाती है। अब ये सवाल उठता है कि देवी माता कब आती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जाप, भक्ति गीत, संगीत के बजने के समय माता आने की संभावना सबसे अधिक होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह के घटना के समय इंसान या तो नाचने लगता है या फिर अपने शरीर को तेजी से हिलाना शुरू कर देता है। हम अक्सर देखते हैं कि देवी या देवता किसी पुरुष के शरीर में आती है तो उनका शरीर थरथराने लगता है और शरीर एक जगह टिका नहीं रहता। वहीं अगर देवी महिला के शरीर में आती है तो वह अपने बालों को खोलकर तेजी से झूमने लगती है। देखा गया है कि जैसे ही सेवा जस गीत बंद होता है तो पीड़ित महिला या पुरुष अपने आप झूमना बंद कर देती है, या जैसे ही उन्हें उस माहौल से हटाया जाता है तो वापस सामान्य हो जाती है। कई बार तो उन पर पानी छिड़कना भी काम कर जाता है। जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है वे बताते हैं कि देवी माता के जाने के बाद एक आंतरिक सुकून सा अनुभव होता है, लेकिन विज्ञान और डॉक्टर्स इस घटना को कुछ और ही मानते हैं। विज्ञान इस तरह के घटना को एक मानसिक बीमारी बताता है। इस मानसिक बीमारी के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें देवी देवता का आना भी एक मानसिक बीमारी ही है। मेडिकल भाषा में देवी देवता के आने को स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। दोस्तों, जिन्होंने भूल भुलैया या अपरिचित फिल्म देखी है उनको पता होगा कि एक व्यक्ति में उसका दूसरा रूप भी आ जाता है और कुछ समय के लिए वह उस दूसरे रूप में ढल जाता है। ठीक वैसे ही देवी या माता का आना कुछ ऐसा ही है, जिसमें पीड़ित गानों बाजों का आवाज को सुनकर उस देवी माता के जैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देता है, या कहे तो दूसरे रूप में ढल जाता है। इस तरह के लक्षण अक्सर पूजा पाठ में अधिक विश्वास करने वाले लोगों को देखने को मिलता है। इस बीमारी में पीड़ित अपने चारों ओर एक ऐसा आडंबर बना लेता है जिससे उसे हमेशा ये लगता रहता है कि देवी देवता उसे कभी भी आ सकता है, और वो उस दौरान अपने वास्तविक रूप को भूलकर देवी माता जैसा व्यवहार करने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक इसका इलाज कराना बताया गया है। इस बीमारी में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोग पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में यह एक मानसिक बीमारी या फिर कुछ और? हमें आप अपनी सोच कमेंट कर बताएं। बाकी जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।